अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं इटली से निकल चुका था वैसे तो कल, लेकिन आज टाइम मिला है मुझे व्लॉगिंग करने का, ज़रा फ्रेश हुए क्योंकि ट्रैवल आपको पता है कि थका देता है। और तो अभी हम जा रहे थे स्टेशन की तरफ होबान ऑफ फ्रैंकफर्ट, तो मैंने सोचा मेरे साथ मेरे बड़े भाई जिनके पास मैं आया हूँ, तो सोचा कि चले उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं, चलते चलते बातें करते हैं उनसे और पूछते हैं कि भाई वो किस तरह है, इन शॉर्ट बताएंगे ठीक है। तो जॉब सेकिंग वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी के लिए। तो मेरे साथ हैं मौजूद सैयद उबैद अली, वन एंड ओनली। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। तो इंट्रोडक्शन असद ने दे दिया है। जहाँ तक जॉब सीकर का की बात रही है ना, तो उसमें करना ये होता है कि सबसे पहले जॉब सीकर के लिए आपको लैंग्वेज ज़रूरी है, ठीक है ना। वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको जो है ना, अगर आप बगैर करें लैंग्वेज आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना होगा। कम से कम B1 लेवल आपके पास जो है ना, मतलब पाकिस्तान से करके आए B1। मैं बोलो करके आए, बिल्कुल करके आए, लेकिन वैसे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट तो नहीं होती। लेकिन वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब आप जॉब सर्च पे आएंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत है। अगर आप बगैर लैंग्वेज के आ जाएंगे तो फिर आपको ऐसा ना हो कि 6 महीने का जॉब सीकर वीज़ा है और फिर आपको जो है ना ऐसे ही वापस जाना पड़े। तो सबसे पहले लैंग्वेज, फिर उसके बाद आपने जॉब सीकर वीज़ा की जर्मनी की वेबसाइट से आपने जॉब सीकर वीज़ा की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। उबैद भाई मुझे ये बताएं कि क्या क्या स्टेप होते हैं अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं जॉब सीकिंग वीज़ा, जो कि 6 महीने का होता है, सुना है वो एक साल का हो गया ऐसा है। वो अभी आगे अप्रूव होने के लिए उन्होंने समरी पेश करी हुई है, अभी अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन अभी 6 महीने का ही है वो। चले मुझे सर इन शॉर्ट बता दें कि किस तरह अप्लाई करना है, जो नए जिनके पास एक्सपीरियंस है 5 साल का, वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं जॉब सीकिंग वीज़ा पाकिस्तान से और किस तरह जर्मनी में आ सकते हैं। एक सक्सेस स्टोरी बता रहा हूँ अपने भाई की, तो चले पूछते हैं सक्सेस स्टोरी कि पाकिस्तान से किस तरह ये यहाँ पर आए और अभी कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं। चले उबैद भाई स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले जॉब सीकर वीज़ा के लिए आपने इनकी रिक्वायरमेंट लिस्ट होती है वो सबसे पहले आपने देखनी है, जिसमें सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपकी एजुकेशन हो ठीक है, और आपके पास 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो ठीक है, ठीक है, और जो है आपकी जो एजुकेशन है वो अप्रूव्ड हो जर्मन के एजुकेशन सिस्टम से। सही है। तो उसके लिए इन्होंने एक एनाबिन सिस्टम बना दिया, एनाबिन, जिसमें आप क्या करते हैं अपनी डिग्री को चेक करते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी को चेक करते हैं कि वो जर्मन के एजुकेशन सिस्टम के इक्विवेलेंस है या नहीं है। ठीक, सबसे पहले आप ये तो मेन प्रोसेस है, वो मेन प्रोसेस है। इनकी वेबसाइट पर, जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पर जो है ना जॉब सीकर वीज़ा की जो है पूरी एक रिक्वायरमेंट लिस्ट है, वो आपने जो है ना फॉलो करें आराम से, फॉलो पूरा करें पहुंच जाएंगे। इसमें हमें ब्लॉग अकाउंट भी चाहिए होता है एजुकेशन की। अच्छा, मेन बात तो ब्लॉग अकाउंट है क्योंकि लोग अप्लाई करने में होता है ब्लॉग अकाउंट किस तरह करें। ब्लॉग अकाउंट कितना करा था आपने ये बताया? ब्लॉग अकाउंट तकरीबन 6,100 यूरो के करीब है, ठीक है, जो कि आपने जर्मन बैंक के अंदर अपने जो है ना अमाउंट को फिक्स कराना होता है। ये सर्विसेज जो है ना बहुत सारी बैंक्स दे रहे हैं, बस बहुत सारे एप्लीकेशन दे रही हैं, जिसमें कोरेकल है और पिंतीबा है, ये सारी वो है। तो बेस्ट कौन सी है, पिंतीबा या कोरेकल? आपने किससे कराया था ये भी बता। मैंने कोरेकल से कराया था और मुझे बहुत अच्छा लगा, कोरेकल ने बहुत मुझे एंड तक सपोर्ट करा, ठीक है। लेकिन ये इंडियन फर्म है, लेकिन वो हमारे लिए हमारे साथ जो है ना वो बहुत ही जो है ना एक्सपीरियंस, क्योंकि पिंतीबा में ना आपको सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन के अंदर ही जो है ना अपनी अमाउंट भेजनी होती है। कोरेकल से मैंने रिक्वेस्ट करके ना 3 ट्रांजेक्शन में जो है ना मैंने अपनी अमाउंट भेजी थी, तो कोरेकल जो है मुझे इसलिए पसंद आया कि उन्होंने 3 ट्रांजेक्शन जो है ना वो उसमें मेरी जो अमाउंट थी वो ली, ठीक है, और बहुत ही ईजी स्टेप्स है। जबकि फिंतीबा का थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फिंतीबा बहुत मशहूर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स सबको भी पता होता है कि फिंतीबा से करना है, लेकिन कोरेकल जो है ना मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से कोरेकल बहुत अच्छा रहा। जैसे ही मैं आया उन्होंने सिर्फ मुझसे थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट मांगे कि मैं, उन्होंने ये प्रूफ मांगा कि मैं जर्मनी लैंड कर चुका हूँ, ये यहाँ पहुँचने के बाद ये प्रूफ मांगा कि जर्मनी लैंड कर चुका हूँ, और कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आपके पास जो है ना कोई ऐसा बैंक हो, जर्मन करंट अकाउंट का बैंक हो, वो किसी भी ऑनलाइन अकाउंट में भी जो है ना वो आपकी पेमेंट जो है ना। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो अकाउंट होते हैं वाइस के, आईडी वोल्ड का, उसमें आप उसमें ही कोरेकल ने जो है ना मुझे मेरी अमाउंट जो है ना टारगेट दी थी, ठीक है। तो कोरेकल मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, क्योंकि कोरेकल बेहतर है। चलो ये अच्छा ऑप्शन आपने बता दिया कि कोरेकल में आप, दरअसल उसके अंदर पूछते भी नहीं है ना कि आपके ये पैसा है कहाँ से होता है। फिंतीबा में बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, वो आपसे ये भी पूछते हैं फिंतीबा के आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, क्योंकि आप पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो हर किस्म के जो है तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे जो है ना यहाँ पर आना चाह रहे हैं,
तो वो अपने किसी दोस्त से ले रहे हैं लोन, कभी किसी रिश्तेदार से ले रहे हैं, तो वो फिंदीबा जो है ना वो आपसे बोलता है कि आप क्रॉस चेक करता है कि भाई प्रूफ दो, प्रूफ देने की कहाँ से आपके पास अमाउंट आई, वो आपसे स्टेटमेंट मांगेगा। लेकिन कोरेकल में ऐसा नहीं है, सिर्फ आपके अकाउंट से ही जाने चाहिए, ये ऑप्शन था। लेकिन ये भी था कि आप अपने किसी रिश्तेदार के अकाउंट से भी दे सकते हैं। लेकिन एक और ऑप्शन ये है कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं अपने कज़न के अकाउंट से भिजवा रहा हूँ, हालांकि वो मेरा दोस्त था, ठीक है ना। तो इसमें इसमें कोरेकल ने मुझे कोई मसला नहीं हुआ, मतलब ये भी नहीं मांगा कि वो आपका कज़न कैसे है। चलें, ये एक लॉकडाउन का हो गया, और कोई चीज़ है तो बता दें, वरना फिर हम वीडियो एंड करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपने बता दिया शुरू में, उसके बाद मैंने आपसे बोला कि आपकी एजुकेशन सिस्टम जो है ना, आपका एजुकेशन की जो इक्वलेंसी है वो जर्मन एजुकेशन सिस्टम का मिलनी चाहिए। उसके बाद हमने बताया कि आपको जॉब काउंट होना चाहिए, और अगर कितना होना चाहिए जॉब का, जॉब से रिलेटेड 3 साल का कम से कम होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा होगा तो फिर आपके ज़्यादा चांस। 3 साल कम से कम, मैं 5 साल समझता था, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, 3 साल है कम से कम, ठीक है ना। अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप जा सकते हैं, और आपके पास जो है ना, और बेहतर जैसे आप पाकिस्तान से ही बैठ के ना अप्लाई करना शुरू कर दें, और कोई अच्छी जॉब ऑफर अगर आ रही है आपके पास, कि अगर उन्होंने इस तरह कह दिया है कि अगर आप यहाँ पर होते तो हम आपको हायर कर लेते, तो वो एज अ एविडेंस लगा लें, ठीक है। ठीक है, और आपने क्या, एक आपने आपको टैक्स पेयर, ये समझ लें एडिशनल चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर दी है। ये एडिशनल आप ये कर सकते हैं कि आपने टैक्स पेयर आपने सर्टिफिकेट लेके ले लिया, ठीक है। और कभी कभार ये भी होता है कि एम्बेसी आपसे जो है ना वो रिटर्न टिकट मांगती है, तो आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी कि लोग जो होते हैं डमी टिकट नहीं लगाते, डमी टिकट लगा देते हैं जो कि एक हफ्ते में एक्सपायर हो जाता है, वीज़ा रिजेक्ट होना है, एक हफ्ते ज़्यादा अपने पास होल्ड करते हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होना है उसके अंदर। तो हम मैंने खुद अपने लिए ये करा था कि मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक रिटर्न टिकट भी लिया था। और एक और रिक्वायरमेंट है, एक और रिक्वायरमेंट है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की, वो भी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और टिकट जो है, हेल्थ इंश्योरेंस आपने 1 साल की कराई थी या 6 महीने की? 6 महीने की कराई थी, लेकिन जो रिटर्न टिकट और उसकी डेट जो है ना वो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ही आनी चाहिए, यानी उसके कवर्ड होनी चाहिए। जो रिटर्न टिकट है और हेल्थ इंश्योरेंस है वो पूरे एक दूसरे से डेट्स जो है वो मैच करनी चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस अगर आपने अच्छा खासा बता दिया, इन शॉर्ट यही है। वरना अगर आपको पूछना हो तो रब्ता करें, ऐसा से रब्ता कर लिएगा मुझसे, इंस्टाग्राम आईडी डाल रहा हूँ यहाँ पे, और व्हाट्सअप का लिंक भी मैं कमेंट के अंदर लिख दूंगा, पिन कर दूंगा उसको, उससे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जर्मनी के लिहाज से। और उबैद भाई से कांटेक्ट करना हो तो मैं डायरेक्टली करवा दूंगा इसको भी, और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो भाई चले हमारी भी ट्रेन आने वाली है, जाना है फ्रैंकफर्ट, हम फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं ओबानोफ, और हमने कहा चले चलते आपसे बात भी करनी है, वीडियो बना लें छोटी सी इन्फॉर्मेशन, तो क्योंकि मैं फ्रैंकफर्ट आया हूँ, फिर मैं इटली चले जाऊँगा 2 दिन बाद, फिर वीडियो नहीं बन पाएगी। चले चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें बहुत सारा, अल्लाह हाफिज़।